Good morning. Today we will discuss about the profession of librarianship and its ethics. It is a very important topic, and a person who wants to choose the career in this field must know and follow these ethics with wholeheartedly to justify the library profession. It is a very important topic because अगर कोई इस करियर को चूज़ करना चाहता है तो इस एथिक्स के बारे में उसे पता होना चाहिए। हर करियर के पर्टिकुलर एक एथिक्स होते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो लॉ फील्ड हो, चाहे वो लाइब्रेरियनशिप हो या फिर कोई और। तो इसी तरह ये भी हमारे कुछ एथिक्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशन। अ लाइब्रेरियन डिवाइसेज हिज जॉय बाय सीइंग द डॉन ऑफ जॉय इन द फेस ऑफ रीडर्स हेल्प्ड बाय हिम टू फाइंड द राइट बुक एट द राइट टाइम। मीन्स लाइब्रेरियनशिप का जो मेन काम होता है कि राइट बुक को विद इन अ शॉर्ट टाइम अप्रोप्रिएट यूजर्स को प्रोवाइड कराना। तो उसके बाद जो यूजर्स के फेस में जो खुशी मिलती है वही उसका मेन मकसद होता है, और यही हमारा काम होता है कि हम यूजर्स की नीड को विद इन अ शॉर्ट टाइम फुलफिल करें। कहा भी गया है, गूगल कैन ब्रिंग यू बैक 1 मिलियन आंसर, अ लाइब्रेरियन कैन ब्रिंग यू बैक द राइट वन। मीन्स अगर हम गूगल में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो हमें बहुत सारे आंसर प्रोवाइड करता है। वो मिलियंस में हो सकते हैं, अरबों में भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। अगर वही हम एक लाइब्रेरियन से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ क्वेरी पूछते हैं तो वो हमें पर्टिकुलर उसी क्वेश्चंस के बारे में अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो भी बहुत ही कम टाइम पीरियड में। तो इसीलिए हम लाइब्रेरियन प्रोफेशन को अच्छा प्रोफेशन मानते हैं, और इसे एक नोबेल प्रोफेशन भी कहा गया है। और हम इसे अगर जीवंत रखना चाहते हैं तो हमें कुछ एथिक्स का पालन करना होगा, तो वो हमें आज डिस्कस करना है। देयर आर सम ब्यूटीफुल कोट्स विच इम्फेसाइजेस द लाइब्रेरी प्रोफेशन। अकॉर्डिंग टू लेट कृष्णा स्वामी अयर, डिस्ट्रॉय द बार एंड यू विल डिस्ट्रॉय अ बुलवर्क ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस। मीन्स अगर हम किसी बार को नष्ट करते हैं तो सामाजिक और आपराधिक न्याय के एक प्रकाश स्तंभ को नष्ट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक लाइब्रेरी प्रोफेशन को नष्ट कर दें तो एक प्रकार से हम समाज के लोगों को अंधकार के बहुत बड़े दानव के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन ना आए तो हमें अपने जो लाइब्रेरी प्रोफेशन को जीवंत रखना है और इनके दायित्वों को भली भांति पूर्ण रूप से निभाना है और इसे जीवंत रखना है। और जैसा कि बोला गया है कि लाइब्रेरी प्रोफेशन एक नोबेल प्रोफेशन है, तो इसकी गरिमा को बनाए रखना है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है लाइब्रेरियनशिप का वो है कि द एम ऑफ लाइब्रेरियनशिप इज़ टू प्रोवाइड राइट डॉक्यूमेंट टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया कि जो हमारा मेन मोटिव है कि हमें लाइब्रेरी में जो भी यूज़र्स आ रहे हैं उनको सेटिस्फाई करके, उनकी नीड को फुलफिल करके ही उनको भेजना है ताकि वो दोबारा आ सकें। क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इम्पैक्ट इज़ द राइट इम्पैक्ट। अगर वो पहली बार ही उनकी नीड फुलफिल होगी तभी वो दोबारा आएंगे, अदरवाइज वो दोबारा आने में मतलब झेप करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा मैं अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लूँ, बट लाइब्रेरी का वो रुख नहीं करेंगे। तो हमें इस प्रोफेशन को बनाने के लिए उसके दायित्वों को पूरी तरह से निभाना चाहिए। नाउ वी डिफाइन व्हाट इज़ एथिक्स। द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस, इट इज़ द साइंस ऑफ मॉरल। और यह एक प्रकार की प्रैक्टिस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ हैं, स्पिरिट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, मॉरल एक्सेट्रा टू जस्टिफाइड देयर प्रोफेशन। मीन्स एक प्रकार की प्रैक्टिस है और जो कि जिसमें मॉरल वैल्यूज आदि चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशन को जीवंत रखती हैं। और इन मतलब प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज़ को जीवंत रखने के लिए कुछ एथिक्स हैं जो कि इस प्रकार हैं, जिन्हें हम 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि वन बाय वन मैं डिफाइन करूँगी। तो पहला है इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन, सेकंड वन इज़ सर्विस बिफोर सेल्फ, थर्ड वन इज़ स्पिल्ट माइंड, फोर्थ वन इज़ सिंपैथेटिक बिहेवियर, टैक्ट, इंडस्ट्री एंड स्कॉलरशिप। तो पहले हम बात करते हैं इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन की।
लाइब्रेरी जो बना हुआ है वो ट्रायो से बना हुआ है। ट्रायो की बात करें तो तीन चीज़ें हमारी लाइब्रेरी को फुलफ़िल करती हैं और उसकी उसके बिना लाइब्रेरी बन नहीं सकती। उन तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है यूज़र्स, दूसरा बुक और तीसरी बात करें तो स्टाफ की। तीनों चीज़ों से मिलके बना है और बुक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ बात हो रही है इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन की। तो जब हम बुक सिलेक्ट करते हैं तो हम यूज़र्स की नीड को ध्यान में रखते हुए बुक सिलेक्ट करते हैं और बुक्स को सिलेक्ट करते हुए हमें अनबायस तरीके का प्रयोग करना चाहिए, मींस कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी ऑथर को या किसी पब्लिशर को जानते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उस पब्लिशर की बुक को सिलेक्ट कर लें। अगर हाँ वो स्टैंडर्ड को फुलफ़िल कर रहा है या फिर उसके जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं और यूज़र्स की नीड को फुलफ़िल कर रही हैं तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट और अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को हम ध्यान में रखते हुए बुक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो सर्विस बिफोर सेल्फ, मीन्स जैसे मैंने अभी बात बताई है कि ट्रायो ऑफ लाइब्रेरी, तो यहाँ पर भी उसी की बात कर रहे हैं कि यूज़र्स जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी लेवल पे होता है। अगर हम सपोज़ दैट लाइब्रेरी में हैं और लाइब्रेरी का कोई काम कर रहे हैं और उस बीच में कोई स्टाफ दूसरा स्टाफ नहीं है और यूज़र्स कोई आता है और उसे कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी की क्वेरी वो रिक्वायर्ड है, तो हम उस यूज़र्स की क्वेरी को पहले सॉल्व करेंगे, फर्दर हम नेक्स्ट कोई काम करेंगे। मतलब सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब हमें यूज़र्स की नीड को पहले फुलफ़िल करना है, देन आगे कोई काम करना है। स्पिल्ट माइंड की बात करें तो एक तरह से ये मल्टी डायमेंशनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है ताकि वो कई लोगों को एक समय में ट्रीट कर सके। सपोज़ दैट लाइब्रेरी में कई यूज़र्स कई एक साथ आ जाते हैं तो हमें सबको वन बाई वन ट्रीट करना है और उन्हें भी एहसास नहीं होना है कि हाँ हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है या फिर हमें पहले प्रेफरेंस नहीं मिल रही। तो मतलब हर यूज़र्स को ट्रीट करना है और साथ में उसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि सपोज़ दैट हमें कोई यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है और वो हमारे पास नहीं है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम उस समय उस यूज़र को इन्फॉर्मेशन तुरंत ही प्रोवाइड करें। उसको उसकी मतलब रिक्वायरमेंट को हम नोट कर सकते हैं और उसको थोड़ा टाइम देने के बाद उसको सर्च करेंगे और उसको मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ आपकी जो क्वेरी है वो फुलफ़िल हो गई है और आप आके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब और जब तक वो प्रोसेस कम्प्लीट नहीं होता है तब तक हमें दूसरे काम पे फोकस नहीं करना है। मतलब यूज़र्स की नीड को मतलब प्रायोरिटी लेवल पे हमें रखना है। चौथी बात करें फोर्थ वन इज़ अ सिंपैथेटिक बिहेवियर, मींस हमें मतलब संवेदनशील और सद्भावना पूर्ण हमारा बिहेवियर होना चाहिए। और कहा भी गया है जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमारे भी मतलब लाइब्रेरी रूल्स में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। कुछ बात करें जैसे कि कुछ यूज़र्स होते हैं तो हमारे रूल्स हैं कि हम कुछ बुक्स पर्टिकुलर यूज़र्स को 5 books या 6 books इन अ मंथ इशू करते हैं। तो अगर कुछ यूज़र्स हैं और वो बुक्स चाहते हैं और उनको एग्जामिनेशन टाइमिंग है और वो बहुत ही नीडी हैं और उनके पास कोई अदर सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करके उनको उस पर्टिकुलर यूज़र को वो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। 1-2 books का मार्जिन करके उसे मतलब उस यूज़र को वो बुक प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो आउटसाइडर्स होते हैं या कुछ और रीजंस होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, उन्हें समय का ध्यान नहीं होता, लेकिन ये सबके साथ लागू नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर नीडी पीपल्स या नीडी यूजर्स के लिए लागू हो रहा है कि वो मतलब कुछ अमाउंट है जो कि फ़ाइन के रूप में हमारी लाइब्रेरी लेती है, तो उनमें कभी कभी कुछ लोग उसे बियर नहीं कर सकते। तो अगर हम उन्हें फ़ाइन के लिए बाउंड करेंगे तो वो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम वो आए ना, तो इसलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करते हुए हम उन्हें थोड़ा उसमें कंसेशन दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से सिंपैथेटिक बिहेवियर के अंदर आता है। बात करें टैक्ट की, तो टैक्ट मीन्स एक हमें मतलब चातुर एक हमारे अंदर मतलब चतुरता होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेसर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
क्योंकि बात करें जैसे कि हमारे लाइब्रेरी में बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत रिसर्च स्कॉलर आते हैं लाइब, और साथ में फैकल्टीज वगैरह आती हैं, तो कभी कभी कुछ उनके उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिलता, या कुछ भी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम से पूरी नहीं होती, तो वो थोड़ा एग्रेसिव वगैरह हो जाते हैं। तो हमें उन्हें हैंडल करना आना चाहिए, हमें मतलब पेशेंस रखना चाहिए, हमें भी हमें एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाला एग्रेसिव है तो हम भी एग्रेसिव हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मतलब पेशेंस कायम रखते हुए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, और स्माइल पास करते हुए उनकी बातों को सुनना चाहिए, ताकि वो भी सामने वाला भी शांत हो जाए और आपकी बात को माने। मतलब डिफरेंट टाइप के लोगों को हैंडल करने का गुण लाइब्रेरियन में ज़रूरी है और ये होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से बात करें तो हार्ड वर्किंग मीन्स लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी प्रोफेशन में हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए। डे टू डे हमें लाइब्रेरी को कैसे ग्रो करें ये हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। और बात करें अगर हम जैसे कहते हैं कि लाइब्रेरी हमको लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की जॉब मिल गई, तो हम सोचते हैं कि हाँ हमें अब कुछ नहीं करना, हमें आराम से अच्छा सा मतलब एसी का रूम मिल गया और अब ज़्यादा कुछ करने को नहीं, हमें ऑर्डर देना है या फिर हमें लाइब्रेरी के ग्रो करने के बारे में सोचना है और हमें नीचे का काम नहीं करना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एक ये बेड ऑफ रोजेस की जॉब नहीं है, हमें हर लेवल पे जाके काम करना होगा, क्योंकि अगर सपोज दैट कोई लाइब्रेरी का स्टाफ उस समय अवेलेबल नहीं है तो हमें जाकर रैक से किताब भी एक यूज़र को देनी पड़ सकती है। तो ये हमें मतलब सोच के रखना है कि लाइब्रेरी प्रोफेशन बेड ऑफ रोजेस का प्रोफेशन नहीं है, एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है और ये हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा इस प्रोफेशन में रहते हुए, और लाइब्रेरी को ग्रो करते रहना होगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो विद्वता की बात हो रही है यहाँ पे, तो लाइब्रेरी प्रोफेशन में हमें ज्ञानी या विद्वान होना बहुत ज़रूरी है, और पर्टिकुलर जो हमारा कलेक्शन है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी लाइब्रेरी में क्या कलेक्शन है, कौन से ऑथर की बुक्स हैं, कौन सा बेस्ट कंटेंट है, और क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं, किस कोर्स की कौन सी बुक बेटर है, तो इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए, ताकि यूजर्स को हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग बुक विद इन अ शॉर्ट टाइम प्रोवाइड करा सकें। जैसे हमने भी बात की 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट की, इसी प्रकार हमारे जो डॉक्टर SR रंगनाथन जिससे जिन्हें हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी कुछ एथिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप दिए जो कि इस प्रकार हैं। ड्यूटी टू द रीडर्स गाइड द ओनली कैन इनलाइटन अदर्स, वेयर एज एन इग्नोरेंट पर्सन बींग इनकैपेबल ऑफ गाइडिंग हिमसेल्फ। मीन्स अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी या विद्वान है तभी वो किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान बांट सकता है या उसे गाइड कर सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है तो हम किसी दूसरे को कैसे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब अगर लाइब्रेरी प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं तो हमें नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में हमारे अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़रूरी है कि हमें नई नई चीज़ों को सीखने का मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें ड्यूटी टू द बुक्स। बुक्स आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी, विदाउट दीज अ लाइब्रेरी कैन नॉट सर्वाइव। सो द ड्यूटी ऑफ द लाइब्रेरियनशिप इज टू कीप इट क्लीन लाइक हिज ओन बॉडी एंड सेव इट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाई हिज एनिमीज एज इंसेक्ट्स टर्माइट एंड ह्यूमिड एक्सेट्रा। डॉक्टर SR रंगनाथन सर ने बुक की तुलना एक ह्यूमन बॉडी से की थी। यहाँ पर बुक बुक की जो बॉडी है उसको एक जो बाइंडिंग इंक प्रिंटिंग वो एक तरह की बॉडी शरीर की तुलना है, मतलब शरीर कहा गया है, और जो उसका कंटेंट इन्फॉर्मेशन वो एक प्रकार की सोल, जैसे हमारी आत्मा मतलब हमारा ह्यूमन बीइंग की आत्मा होती है, उसी प्रकार कंटेंट और इन्फॉर्मेशन को बुक की आत्मा कहा गया है। तो जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं उसी प्रकार लाइब्रेरियन का रोल होता है कि वो बुक्स को भी उसकी एनिमी से जैसे कि टेम्परेचर, टर्माइट जो दीमक होता है, या फिर मतलब ह्यूमिड होती है, उन सब से बचा के रखे। टाइम टू टाइम हमें फ्यूमिगेशन प्रोसेस एक छिड़काव होता है रसायन का, वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से बुक्स का बचाव हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी टू द प्रोफेशन। अ लाइब्रेरियन शुड बी लॉयल टू हिज और हर प्रोफेशन, ही और सी शुड नेवर यूज दिस हर्टेन एंड डिस पैरजिंग वर्ड्स टू हिज
और हर रीडर ही और शी शुड हैव सोशल प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. मीन्स लाइब्रेरी प्रोफेशन को मतलब बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हम्बल होना चाहिए और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और मतलब उसको कई लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो दूसरे जो यूज़र्स आते हैं उनसे उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सके. और कोशिश करना चाहिए कि उस वो यूज़र्स की नीड को फुलफ़िल करे और उनको कभी भी किसी भी तरह का दुख ना पहुँचाए. जॉन कॉटन थाना ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो कि पब्लिक लाइब्रेरी के संदर्भ में है कि हमारा सबसे बड़ा रोल होता है कि हमें यूजर्स की सबसे यूजर्स को मतलब एक स्माइल मतलब एक खुशी प्रोवाइड करना चाहिए, उनके चेहरे पे स्माइल हम ला सकें और उनको खुश कर सकें. सबसे बड़ा पहला ये हमारा टारगेट होना चाहिए. नेक्स्ट हमें उसमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का टारगेट होना चाहिए. मतलब हमें पहले उनकी उनको खुश रखना चाहिए, देन हमें उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए. तो ये हमने एक बात ऐड की जो कि मुझे लगता है ज़रूरी था. ड्यूटीज़ टू द स्टाफ, मतलब कि हमें हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम अपने स्टाफ के साथ अच्छा बिहेव करें. उनके चाहे वो छोटे मतलब कर्मचारी हों या बड़े कर्मचारी, हमें उनके साथ समान बर्ताव करना चाहिए और उन्हें टाइम टू टाइम इनकरेज करना चाहिए कि कैसे वो यूज़र्स की नीड को फुलफ़िल करें और कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करें, कैसे उनके साथ पेशेंस के साथ मतलब वो पेश हों. इस तरह की चीज़ों को हमें टाइम टू टाइम उनको बताते रहना चाहिए. लास्ट वन इज़ ड्यूटी टू हिमसेल्फ. अ लाइब्रेरियन मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, प्रोफेशनली ट्रेंड, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरनेट सेवी एंड ही और सी हैव द नॉलेज अबाउट इट्स ओन लाइब्रेरी कलेक्शन. ही शुड बी कंपैशनेट, हेल्प एंड जेनरसिटी इन हिज नेचर. ड्यूटी टू हिमसेल्फ मीन्स हमारे जो लाइब्रेरी प्रोफेशन है उसके प्रति भी बहुत सारे दायित्व हैं, जैसे कि हमें नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें इंटरनेट सेवी होना चाहिए. और इसके साथ साथ एक बात कही गई है कि एक जो सबसे बड़ा रोल है लाइब्रेरी प्रोफेशन का या लाइब्रेरियन का कह लें कि यह एक प्रकार का मैच मेकर का रोल प्ले करता है. जैसे कि एक ब्राइड को ग्रूम से मिलाना मैच मेकर का मेन काम होता है, उसी प्रकार लाइब्रेरियन का भी काम होता है कि यूज़र्स को उसकी पर्टिकुलर मटेरियल या बुक से मिलाना. तो यहाँ पे यूज़र्स को एक ब्राइड कहा गया है और जो बुक्स या मटेरियल है उसके लिए उसको ग्रूम कहा गया है. तो मतलब बात करें, मैंने अभी जैसे कि बताया आपको सेवन लैम्प ऑफ कंडक्ट, ये अगर हम एज अ करियर लाइब्रेरी प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं तो ये हमें इन सेवन लैम्प्स का बहुत ही नियम से पालन करना चाहिए और वर्ड टू वर्ड पूरे हृदय से पालन करना चाहिए और तभी हम इस प्रोफेशन को जीवंत रख सकते हैं और इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दे सकते हैं. क्योंकि अभी भी बात करें कि हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने भी देखा है कि वहाँ के स्टाफ यूज़र्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. आजकल मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, इतनी सारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं तो लोग ज़्यादातर अपना टाइम उस पर स्पेंड करते हैं. तो मतलब ऐसा नहीं कि तवज्जो नहीं देते, लेकिन मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि वो यूज़ कर रहे हैं मोबाइल तो वो वेटेज नहीं देते. तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी यूज़र को इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि हमें ट्रायो को फुलफ़िल करना है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम ट्रायो को फुलफ़िल नहीं करेंगे, सेवन लैम्प्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे, तो हम अपने लाइब्रेरी प्रोफेशन को कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने प्रोफेशन को. तो मैं बस इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि जो भी करियर को एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, कृपया ट्रायो ऑफ लाइब्रेरी एंड सेवन लैम्प्स ऑफ कंडक्ट का फॉलो करें, तभी हम इस प्रोफेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं और इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दे सकते हैं. थैंक यू. उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप यूट्यूब के जरिए भी जुड़ सकते हैं. वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए.